ना जाने क्या जिद है इस दिल की, ना कोई उसके जैसा पसंद आता है, ना कोई उसके सिवा पसंद आता है। ना जाने क्या जिद है इस दिल की, ना कोई उसके जैसा पसंद आता है, ना कोई उसके सिवा पसंद आता है। बस वो ही पसंद आता था, बस वो ही पसंद आता है। क्या करें, ये नवाबों का शहर लखनऊ है ही ऐसा कि शायरी यहाँ के मिजाज में बसी हुई है। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ के केसर बाग में देखने को मिलता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे नायाब मिसाल। और ये नवाब लफ्ज नायब से बना हुआ है, जिसकी हिंदी तर्जुमा है सहायक। नवाबों की सल्तनत कुल जमा 135 साल ही थी, जिसकी शुरुआत सितंबर 9 1722 में हुई थी, जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत अली खां को आगरा से अवध भेज दिया था। नवाबों के अदब और तहजीबों के किस्से, वो बातों बातों में जुमले, वो पहले आप और वो नवाबी ठाट, वो चाशनी भरी जुबान तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक मिसाल है। सादत अली खां का जो मकबरा है, वो 1814 में उनके खत्म होने के बाद उनके बेटे ने उनके महल में ही बनवा दिया था। ये महल अपने आप में एक नायाब आर्किटेक्चर था, जो कि इंडो इस्लामिक मिक्स्ड विद राजपूताना एसेंस था। स्क्वायर के शेप में बना हुआ था और जो गुंबद चारों तरफ बने थे वो अरेबिक स्टाइल में थे। वहीं जो इसकी फ्लोर बनी थी वो चेस के पैटर्न में वाइट एंड ब्लैक मार्बल से बनी हुई थी। सादत अली का ये महल अंडरग्राउंड टनल से उनकी बेगम खुशरी जदी के महल से भी जुड़ा हुआ था। खुशरी जदी या मुशीर जदी का भी मकबरा उनके बेटे गाजीउद्दीन हैदर ने उन्हीं के महल में बनवा दिया था। जहां सादत अली खां के महल में राजपूताना एसेंस की झलक भी मिलती है, वहीं उनकी बेगम के महल में साथ में थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। और जो प्लास्टर्स इन दोनों महल में यूज हुए थे वो वही लाइम मोर्टार थे। ये लाइम मोर्टार टेक्निक जो प्लास्टर की थी, ये इंडिया के बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स में भी यूज हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत और प्लीज अदब के साथ सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।